बदले की नियत से अवैध कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। अब इसके बाद कोटा बूंदी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि रामपुर थाने में अवैध खनन, पत्थर का अवैध संग्रहण करने सहित अन्य धाराओं में प्रहलाद गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मुकदमे पर प्रहलाद गुंजल का कहना है कि यह कार्रवाई द्वेषतापूर्ण की गई है। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि 4 जून के बाद सड़कों पर उतरकर खुला विरोध किया जाएगा। प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि यह सारी कार्रवाई भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिरला ने हार मान ली है और उसी बौखलाहट में इस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। परमिशन के बाद भी कार्रवाई क्यों? गुंजल ने दावा करते हुए कहा है कि जिस जमीन पर क्रेशर को अवैध बताया जा रहा है, उस जमीन को साल 2010 में क्रेशर के लिए कन्वर्ट किया जा चुका है और यह जमीन राजाराम भील की थी। 16 मई 2011 को राजाराम भील ने यह जमीन गुंजल को बेचा, जिसकी रजिस्ट्री 31 अक्टूबर 2011 को करवाई गई थी, जिसके बाद 2016 से यहां क्रेशर संचालित किया जा रहा है। गुंजल ने दावा किया कि क्रेशर प्रॉपर कागज और अनुमति से संचालित किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2028 तक की एनवायरमेंट क्लियरेंस हमारे पास है, उसके बाद हमें कोई और अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहती। गुंजल ने कहा कि नियमों के तहत क्रेशर को नाप लो, 1 इंच भी अतिक्रमण हो तो सामने आ जाएगा, लेकिन यह सिर्फ विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए कार्यवाही करवाई गई है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद आर पार की लड़ाई होगी। गुंजन ने एक बार फिर आईजी रवि दत्त गौड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आईजी नियम कायदों को ताक पर रखकर एक तरफा कार्रवाई करने को आमादा है। 4 जून को नतीजे आने के बाद हजारों की तादाद में समर्थकों के साथ वह आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे। यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने की संयुक्त कार्रवाई। बता दें, इस मामले में यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामपुर इलाके में सरकारी जमीन पर चल रहे क्रेशर पर कार्रवाई की, जिसमें हवाला दिया गया है कि बावड़ी खेड़ा स्थित यह क्रेशर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल का है। यहां पर क्रेशर से गिट्टी बनाकर स्टॉक किया हुआ था। यूआईटी तहसीलदार हेमराज मीना ने यूआईटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने, जमीन पर माइनिंग कर पत्थर और मिट्टी निकालने की शिकायत दी गई, जिस पर रामपुरा थाना पुलिस ने प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम जब मौके पर पहुंची थी, उसे वक्त मौके पर प्रहलाद गुंजल भी पहुंच गए थे और उन्होंने कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई थी। कार्रवाई के दौरान क्रेशर के पास की जमीन से 955 टन गिट्टी सहित एलएनटी मशीन एवं डंपर भी जब्त किया गया है। जंगलात है, काली सिंध डीबरी, पीतामपुरा हवा, पलायता और आसपास गड़ेपान, मोती कुआं में कितनी अवैध क्रेशर चल रही है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई। या तो मेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। या आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप ले। मेरी आप विनम्र प्रार्थना, आप सब लोग वहां रहे, 1 इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है, 1 इंच जमीन
एक इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ एक इंच आगे पीछे नहीं किया, जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्यवाही पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी, इसके लिए मजबूर कर दूंगा सारी कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाए, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जावे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा, आज केवल इतना कह रहा हूँ। मैंने एक एक कागज आपको दिया है क्रम से, एक एक कागज इसको जांचे। कल रात को इन्होंने बारिश के लिए कुछ यार्ड डंपिंग यार्ड बाहर खुले में पत्थर डाल देते हैं स्टॉक के लिए, वहाँ जाकर सरकारी जमीन पर आपने पत्थर डाल दिया, खुली जमीन पर डाल दिया। एक जेसीबी को रात के 1:30 बजे जाकर डंपर को करो, कुछ भी कर सकते हैं, किस बात के FIR है? 379 कैसे बनेंगे, पत्थर तो मेरा है। पत्थर तो मेरा है ना, और मैं वहां से कोई चोरी थोड़ी कर रहा था, डंपिंग किया है मैंने, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और इसीलिए कि आपने देख लिया दुर्भावनावश मुकदमे लगाना, बदनाम करना, एक बड़ा अखबार लिख देगा कल बहुत जोर से, पूरा राजस्थान देख लेगा मैं अवैध गतिविधियों में शामिल हूं, पूरा राजस्थान जानता अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई अवैध काम नहीं है। कल आ जाए और जांच पड़ताल कर रहे हैं, मुझे गलत तरीके से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद एक एक को एक्सपोज करेंगे, किसका कहां कब्जा है, शासन प्रशासन को इस पर भी एक्शन लेना पड़ेगा।